हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। इस वीडियो में बताना चाहते हैं हम आपके लिए लेके आ चुके हैं कक्षा 7वीं गणित। कक्षा 7वीं गणित में हम आपको लेके क्यों ले आए भैया, इसी का एक कारण कि आपके पास परीक्षा नजदीक आ चुकी है। त्रैमासिक परीक्षा आपके सितंबर में चालू हो जाएंगे, उसी के बेस पे हम आपकी तैयारी करवाने के लिए आपके 5 या 6 अध्याय तक आएगा, पेपर में आएगा। और बाकी तो जैसे गवर्नमेंट के उनको तो ये ब्रेंच कोर्स में आएगा और इससे भी बनते ब्रेंच कोर्स में ही शामिल रहते सब कुछ, इसी में पूरा अंक इसका पाठ करना है आपको। कक्षा 7वीं गणित इसमें हम क्या क्या देंगे आपको, कक्षा 7वीं गणित में अध्याय 1 और इस पाठ का नाम आपका पूरा अंक है और इसमें महत्वपूर्ण सही विकल्प रहेंगे, मतलब बेस्ट सही विकल्प करवाएंगे हम आपको इसको सॉल्व। हम यहाँ पर सही विकल्प क्यों लेके आ रहे हैं, एक कारण है कि आपको सवाल तो लगा लेते हैं सब कुछ पे बन जाता, कुछ ऐसे बच्चे थे जिनसे सवाल लगाना नहीं बनता, तो भैया सवाल तो सब कोई लगा देता और आपको सवाल इन्हीं में विकल्प तो सवाल लगा लो भैया, वहीं से विकल्प बन जाते हैं। आप तो देखो आपका पूरा सवाल बनते हैं नहीं बनते हैं, तो जो भी नहीं बनता वो एक कमेंट करो, हम आपको उसके बारे में समझाने का प्रयास जरूर करें एक बार। देखो अब यहाँ पर हमने लिखा इसमें, देखो हम इसको पहले समझा दें, हम आपको यहाँ पर पूरे इस एक अध्याय में 40 ऑब्जेक्ट 40 से 50 ऑब्जेक्ट करवाएंगे। कितने करवाएंगे, एक अध्याय से 40 से 50 ऑब्जेक्ट करवाएंगे। इन्हीं में से आपके सही विकल्प खाली स्थान और सत्य असत्य आएंगे, ऐसे ही इन्हीं में से बंदा हम आपके सबको प्रैक्टिस करवाएंगे। जैसे आपको हमने ये दे दी है, अगर आपको बनते तो भाई सॉल्व कर दो, चालू कर दो, कमेंट में इनके आंसर बताओ हम आपके सही है या गलत है, आप लोग सॉल्व कर लेते हो, सॉल्व करो फिर हम करवाएंगे, जो सही होगा वो हम आपको बताते जाएंगे, बिल्कुल कारण सहित उत्तर देंगे और पूरे डिटेल में समझाने का प्रयास करेंगे। इसलिए हमने यहाँ पर देखो, हम इस वीडियो में इम्पोर्टेंट विकल्प 10 दिए हैं, हमने पूरे टोटल 10 हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पूरे 10 हैं विकल्प भैया जी, पूरे सॉल्व करेंगे हम आपको यहीं पर दिखाएंगे सॉल्व करके कैसे लगाते हैं विकल्प, और जिस पे टिक नहीं लगाते बनता यार वैसे कैसे लगाते हैं टिक, और आपको यहाँ पर तो टिक लगाना लेकिन वहाँ पर टिक नहीं लगाना, आपको कौन पेपर तो वहाँ से लिखना पड़ेगा और लिखते कैसे पेपर में जो भी बता देंगे विकल्प उनके उत्तर कैसे देने, ठीक है। तो क्वालिटी में बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको इनको समझाने का प्रयास जरूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे भैया तो यहाँ पर एक कमेंट जरूर करके बताना है, अगर अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कर देना। हम इस एक अध्याय को 40 से 50 ऑब्जेक्ट लाएंगे और इसमें हमने 10 ले लिए, हम इसके भाग 4 मतलब एक अध्याय के 4 पार्ट बना है, जो हमने भाग 1 डाल दिया, भाग 1 बना रहे हैं इसको डाल देंगे, पूरा आप लोग देख ही लोगे, देख ही रहे हो। तो देखो भैया अगर वीडियो अगर पूरा देखना देख भी रहे हो या ना देख रहे हो, जो देख रहे हैं पूरा ही देखना, ठीक है हजूर भैया पर जी हजूर। चलिए आए आपको हम आपको विकल्प सॉल्व करवाते हैं, पहले बात जाके आपको पाठ करना होगा पूर्णांक, तो इसके बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए पूर्णांक क्या होता है। तो पूर्णांक की परिभाषा हमने आपको लिखवाई हुई थी, ना लिखवाई हो हमने बताई है, अगर आपने हमारे चैनल पे देखा होगा तो हमने सब डाला है पूर्णांक भी। तो देखो पूर्णांक संख्या क्या होती है ये पता होना चाहिए, पूर्णांक संख्या यहाँ पर संख्या, पूर्णांक संख्या अगर आपसे विकल्प सॉल्व करते बनते तो सॉल्व कर लो चालू, फिर हम आपको यहाँ पर बताएंगे इनके आंसर क्या है, तो इसके आंसर से यहाँ पर एक सॉल्व करवाएंगे। पहले तो पूर्ण संख्या जानो, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्ण संख्या वो है जो पूर्ण संख्या वो है जो क्या धनात्मक धनात्मक ऋणात्मक, ठीक है धनात्मक ऋणात्मक तथा तथा शून्य शून्य तीनों संख्याओं तीनों संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो देखो यहाँ पर संख्या लिखा है, संख्या खाता यूज बना है हमारा ऐसा बन जाता है कोई क्या करे, तो संख्या लिखा है यहाँ पर, ठीक है। अब
पूर्णांक क्या है, जो जो धनात्मक ऋणात्मक से होना तीनों बहुत सही। यहाँ पर एक ठैया हम रेखा को समझा रहे, जैसे एक जब रेखा बना ली इसमें हमने बनाया था जो धनात्मक धनात्मक की साइड रहते थे, धनात्मक एक दो तीन चार पाँच छ, ठीक है जी, धनात्मक हो गए, ठीक है। और यहाँ पर शून्य, तो जी आपका शून्य जी यहाँ से धनात्मक हो गई पूरी, ठीक है, यहाँ से एक से ना तो जा रहे थे जी पूरी धनात्मक, ठीक है जी, धनात्मक इस साइड जाते सब धनात्मक संख्या उल्टी चला तो ना इस साइड जाती माइनस की ऋणात्मक, ठीक है ठीक है। तो जी ऐसे ना क्या कहलाती है, ऋणात्मक संख्या या ऋणात्मक पूर्णांक बोल दो संख्या कुछ भी बोले, तो ऋणात्मक और धनात्मक और जो तुम्हारा तीसरा जो बीच को बीच का ये शून्य और बाजू को शून्य। तो देखो कल को तुमने जो धनात्मक ऋणात्मक शून्य तीनों संख्याओं का समूह पूरा ग्रुप जो हो तो उसको बोलते हैं पूर्णांक। तो भैया हमने यहाँ से क्लियर हो जाएगा आपको जी ऑब्जेक्ट पूरे, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऐसे ही कर बोल सकते हैं आपको, इसमें देखना है पहले ही में लिखा के निम्न में पूर्णांक है, तो पूर्णांक आपको इनमें से छांटना है कौन पूर्णांक। एक बात और देखो, अगर ना हा जितते अपन ना हा जैवी तो ये अगर इधर जीरो से इस साइड जाएंगे तो अपन ना हा बढ़ेंगे, कहा ना बढ़े बढ़ेंगे इस साइड बढ़ेंगे तो इस साइड अपन छोटे हो जाएंगे, छोटे छोटे होंगे इस साइड जैसे जितने छोटे जितने ही नहीं गए जितने दूर ना निकले छोटे होते जो ना जितने ही आगे जो तब बड़े हो जो बड़े होंगे। बात ध्यान रखना यहाँ पर जितने अपन ना चल गए अनंत तक, भैया यहाँ पर जी नहीं कि ना अनंत तक या ना माइनस अनंत, इधर इस साइड ना प्लस अनंत ला जी चिन्ह होता है ऐसा प्लस अनंत का, ऐसा थोड़ी उल्टा सा वो सीधा रहता है, प्लस अनंत का होता है जैसा जीवन ना अनंत बोलते इसको, अनंत या अनलिमिटेड क्या बोलते हैं जिसको, तो अनंत का मतलब होता है जिसे गिना नहीं जा सकता, तो कौन सा क्या करना बताओ कौन गिन सकता, सोलह मतलब हजार लाख करोड़ लाख के बाद कौन गणत रहा है, ये बहुत संख्या होती है इसे इनको नहीं गिनती देखते अपन अनंत, मतलब इसको गिन नहीं सके तो अपन अपरिभाषित है, लेकिन कोई परिभाषा गिनवे की नहीं दी गई अभी तक ना कोई बताया गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हमने आपको बताया था इसमें पूर्णांक क्या होता, तो ये सब इसमें जितनी आ रही संख्या सब पूर्णांक का, तो आपका पहला ऑब्जेक्ट इसी से संबंधित है बिल्कुल, आप पढ़ो इसमें लिखा है निम्न में पूर्णांक है, निम्न का मतलब है नीचे जी दहन में पूर्णांक कौन सा है, तो पांच बटे दो इनमें कम दिखा थे बटे की संख्या में है ऐसी नहीं होती ना, ऐसी नहीं होती तो छोड़ो एक हाथ छोड़ दो ना भैया, इसमें दशमलव वाले होते छोड़ दो, ये आपको बिना ही जीरो दिखा कि में जीरो है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपको अगर पेपर में लिखना है तो क्या लिखोगे कैसा, अब पहले का तुम दे रहे हो पहले का लिखोगे, पहले का दे रहे सी नंबर सही है, पहले का सी डाल दोगे और कितना था जीरो यहाँ पर लिख दोगे हमसे तर्ड, यहाँ पहले तो ऊपर आंसर डाल दो, आंसर डाल मतलब ए नंबर की सब लीजिए आंसर, ए नंबर की आंसर लिख रहा है ए नंबर में पहली को सी का जीरो है इसको आंसर कहो इसको, मतलब अगर तुमने जीरो उतना अल्टो भी रखो तो इसको मतलब जो हो जाएगा सी नंबर, तो सी में देख लो ऑप्शन का है जीरो तो सही हो जाए, ठीक है। निम्न में पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या आपका जे होगा फिर क्या समझ में आया कि नहीं आया भैया, जे बताओ आप लोग जे हैं आपके इसमें संख्या में शामिल है पूर्णांक, पूर्णांक जितनी सब जे होती अगर एक आ जाता तो पूर्ण होता पूर्णांक होता, सॉरी एक आ जाता पूर्णांक होता जीरो, माइनस की भी संख्या आ जाती तो पूर्णांक होता, बस अगर इसमें बटे में ना होता तो ये पूर्णांक ही कहलाते। अब जैसे नीचे लिखा कि निम्न में पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या पता होता है कि पूर्ण संख्या कैसे होती, पूर्ण संख्या होती कैसे आप हम पता होता है छठवी में पढ़ेंगे तो पूर्ण संख्या, लेकिन याद ना रहिए तो हम तुम्हारा याद करता पूर्ण संख्या कितने जीरो से चालू हुई, जीरो से अनंत तक चलनी है कौन, जीरो से अनंत मतलब पूर्ण संख्या जीरो से चालू होती है, तो भैया इसमें सबसे देख लो पहले तब निम्न में पूर्ण संख्या
तो 5 तो होगा नहीं, क्योंकि 0 से 4 0 से 4 अनंत तक जहाँ तक ये सब ने कहलाती, मतलब ये 0 में एक आ, 2 आ, 3 आ, ये सब यहाँ, तो इसमें पहले 0 है, तो तुम्हारा ऑप्शन बी साल सही हो जाएगा। इसको टिक मार दें, ये ऑप्शन से बाकी सब गलत है। बटे का तो इसमें आएगा, जब बटे का पूर्णांक में नहीं आया तो पूर्ण में कहा जाए, माइनस को ना यहाँ तो ऋणात्मक कहा, ठीक है। पूर्ण में तो तुम्हें पता, तो पूर्ण की परिभाषा का हो, पूर्ण संख्या कैसे होती है, 0 से अनंत तक चली जाती है, उन्हें क्या बोलते हैं अपन, पूर्ण संख्या बोलते हैं। अब इसमें लिखा है कि माइनस की 12 संख्या है। अब माइनस की 12 इसी में आएगी शामिल, तो देखो माँ तो आ गई इस साइड आ गई सबरे, मतलब इसी में पूरे इस वाले में पूर्णांक में शामिल हो गई, जिसका पूरा नाम क्या है, इसका पूरे का नाम जिसमें लिखा है सबरे संख्या, इसका नाम क्या होता है पूर्णांक। तो ये इसमें पूर्णांक में आएगा, तो अगर इसमें कहीं पूर्णांक मिल जाएगा या तुम्हें दूसरा नाम का मिल जाएगा, ना जी चल रहा है ना जा रही, नहीं मैंने माइनस से 6 आम, माइनस के 7 आम, माइनस के 8 आम, माइनस के 9 से 8, फिर आपको 12, तो ये माइनस के 12 देखिए, माइनस के 12 संख्या। तो अगर उसमें होता तो हम ऑप्शन में ऋणात्मक, तो अपन ऋणात्मक कर देते, लेकिन ऑप्शन में क्या पूर्ण, तो पूर्ण में तो भैया तुम्हें पता होता है 0 से 4 होते हैं, और प्राकृतिक तुम्हें पता होना चाहिए कहाँ से होते हैं, प्राकृतिक होते हैं 1 से अनंत तक, मतलब प्राकृतिक आपकी 1 से अनंत तक होती है, यहाँ से धनात्मक को ही प्राकृतिक बोला जाता है, ऐसा बोल सकते हैं, धनात्मक को प्राकृतिक ही बोला जाता है। तो पूर्ण और प्राकृतिक तो होगा नहीं कैसे, पूर्ण आपकी 0 से 4 हो जब माइनस में है, और तो धनात्मक तो हो गए क्योंकि माइनस लगा, तो बचा आपका जे पूर्णांक, तो पूर्णांक ही कहलाता सब कुछ, फिर तो पूर्णांक हो जाएगा इसका सिर्फ ऑप्शन, अगर ऋणात्मक होता तो इसमें ऋणात्मक भी आ जाता। देखो दिए गए मतलब नीचे दिए गए में से सबसे छोटा पूर्णांक, अब इनमें से समय पूर्णांक दे दे, दिए गए में से सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है, इसमें सभी तुम्हारे पूर्णांक लिखी, अब मिलेंगे तुम्हें इन्हीं में से कोई संख्या, जैसे यहाँ पर -1 1 0 d -3, इसमें सबसे छोटा निकालना है। अब छोटे के लाने जितना ही नया ना है यहाँ उतने छोटा, अब अपन खाई में ऑप्शन ए है माइनस, 0 से छोटो का कहा -1, तो 0 तो का कैंसर हो जाएगा, 0 से छोटे तो क्या हो -1, और अगर तुम्हारे 1 से छोटो का हो, 1 से छोटा 0 से जरूरी मतलब जी अगर बड़े कहा है ना है ना जी, तो ना 0 1 तो बड़े कहा है, कैसे मार जा रहे हैं आगे जी, 0 से आम है जी, 0 1 और 0 ये बड़े कहा है, कैसे ना बड़े वाले में आओ, छोटे तो सब ना आम है। अब एक तो तुम, अब एक कहाँ है, एक अच्छा है, 1 से छोटा का है -1, 2 तो जो भी कैंसिल, -1 -1 से छोटा का है 2, देख रहा है ना से देखो ये 2 है 1 है 0 -1, फिर -1 के -1 से छोटो का है -2, जितने ही नीचे गलत हो उतने छोटे हो, जितने बड़ी संख्या हो उतने माइनस लगाओ, जैसे 12 लिखी में माइनस लगाओ तो सबसे ना यहाँ बहुत मतलब बहुत नीचे है बैठे, तो ये जितनी बड़ी संख्या हो उतने माइनस लगाओ तो वो सबसे छोटी होती है, यही समझने की 12 लिखे तो 12 बहुत बड़ी का नहीं, माइनस लग जाओ तो छोटा हो जाओ, तो मैं खुद देख लो, अब यहाँ पर माइनस की 12 रहते हैं और बड़ो कहलाना ना ना बड़ो हूँ, ऐसे तो मैं बढ़ने ही नहीं हूँ, तो कितने नीचे हूँ ना बहुत नीचे, 12 28 नीचे हो, 12 जन की पछाड़ में बैठे थे, ठीक है, एक मतलब तो होता है। अब ऐसे ऑप्शन एक और है, इसमें भी निम्न में सबसे छोटा पूर्ण, अब बताओ तुमने निम्न में सबसे छोटा पूर्ण कौन सा, जल्दी बताओ, छाटो हमारे आपके लिए हमने सारणी बनाई है, और एक संख्या रेखा बनी बनाई है, आपको कुछ नहीं करना, उस संख्या रेखा में देख के देख लेना है बस, क्या करना है निम्न सबसे छोटा पूर्णांक है, आपको ये प्लस प्लस वाली सब काट ही देना, कैसे है देखो बड़े, तो देखो बड़े पूछ से तो अपन प्लस को मानत रखते, कैसे है बड़े तो ना यहाँ ना छोटी नीचे, तो जी काट दो, जीरो भी काट देना, अब बचे कौन, कैसे जे गलत है, जे गलत है सही देखने बना, तो -5 -5 तो हाँ कोई छोटा है, लेकिन -7 और भी छोटा है, -5 से छोटा का है -7, तो जो भी कैंसर, लेकिन क्या हो जाए ऑप्शन राइट हो जाएगा सी नंबर का, बाकी सब गलत है, इसमें सही का है -7, सबसे छोटा का है -7, सबसे नीचे का है -7 है ना,
तो -7 छोटा हो जाएगा, अभी से और में है नहीं आता बनोट कर। अगर 12 होती है तो 12 सही हो जाते, जितनी बड़ी संख्या माइनस की उतनी छोटी हो। ध्यान रखना जितनी बड़ी संख्या माइनस की हुई है, जितनी बड़ी संख्या हुई है माइनस की उतनी छोटी, जितनी बड़ी संख्या माइनस की होगी, माइनस की होगी, माइनस की होगी उतनी ही छोटी होती है, उतनी ही छोटी होती है। तो जब कितनी छोटी, -7/7 तो -7/7 ही छोटी है, कितनी 7 यहाँ छोटी है, मतलब 7 बहुत सबसे छोटी कहला है। जितनी बड़ी संख्या माइनस की होगी वह सबसे छोटी होगी, क्या होगी वह सबसे, यह समझ लो सबसे छोटी। अब कल कोई सबसे बड़ी संख्या देख लें भाई, सबसे माइनस की हुई है तो वो सबसे, अब देखो मैं देखो, अब ऐसा देखो जितनी बड़ी संख्या होगी वह, जितनी बड़ी संख्या माइनस की होगी वह सबसे छोटी होगी, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या माइनस की कौन है, 7 है माइनस की, तो जो सबसे छोटी होगी। ठीक है, तो निम्न में सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा, अब बड़ी की चर्चा भाई, तो बड़ी अगर इसमें माइनस वाले तो सब छोड़ो, माइनस वाले देखो अब बड़ी करें तो बड़ी कहाँ ना, सब जन ऊपर आओ जो तो बड़ा जात, देखो अब सबसे बड़ा तो जो सबसे बड़ा माइनस है, जो सबसे छोटी का है इसे बड़ा माइनस, जो माइनस 6 से 12 से बड़ा माइनस 6 से इसे छोटे जी, -12 से छोट बड़ों का है -6, -6 से बड़ा 2 है, 2 से बड़ों का है 0 है ना, 0 सबसे आगे है ना, माइनस अंक आगे और सबसे आगे थे इसे कहते हैं 0, फिर -1 से बड़ा 0, 0 से बड़ा का होती ये एक है ही ना, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा ना, ये सब गलत है। ठीक है गलत है, फिर देखा ही गया था मैं कि 0 से -1 से आगे है 0, 0 से बड़ा में 1 है 2 है 3 है, लेकिन इसमें है नहीं 1 और 2 3, कहां माइनस की संख्या वहां की, तो समय जे ये प्लस में 0 0 कहां बड़ा, तो निम्न में सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा, 0 है, तो ऑप्शन जी इसका सही हो जाएगा। सातवां है निम्न में सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा, सातवां जल्दी बताओ निम्न में सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा, जितनी माइनस की सब काट दो, कैसे माइनस की तो हो ही नहीं सकता बड़ी, कहाँ से हो जाए। ठीक है अगर माइनस से माइनस दाखो तो फिर देखो माइनस में कौन बड़ा, तो इसमें देखो 6 कौन बड़ा है, 0 से तो बड़ा देखो 6, पहले माइनस काट दो कैसे प्लस की संख्या है, तो प्लस की बड़ी हो जाए, अभी माइनस वाले तो छोटे हो, अगर इसमें प्लस नहीं दे दिए अपन संख्या ऑप्शन में, तो भैया प्लस ही वाले बड़े होंगे ना, तो माइनस में तो देखेंगे नहीं, तो 0 6 में कौन बड़ा, तो मुझे देख लो 0 तो छोटा होगा ना, 6 कहाँ आता, 6 तो बहुत आगे आता है यहाँ पर आता, तो 6 बड़ा होगा, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। पूर्णांकों के लिए योज्य तत्समक कौन होगा, पूर्णांकों के लिए पूर्णांक का मतलब पूर्णांक की संख्याओं का योज्य तत्समक क्या होगा, एक ऐसा पूर्णांक चार जन भी पूर्णांक ले तुम 0 4 जन में जोड़ा सो कहते हो ना, एक ही आना कौन भी पूर्णांक लो सो जे 0 के लिए तत्सम सही पूर्णांकों के लिए क्या कहलाता है, यह जो तत्समक कहलाता है 0, तो ऑप्शन में यहीं भी 0 होगा, क्योंकि 0 को कछु में भी जोड़ लो कोई फर्क नहीं पड़ा, जितने में जोड़ो उतने बने रहेगा। ठीक है तो इसलिए उसको यह जो तत्समक बोलते हैं, युज्य का मतलब योग, उसमें कुछ नहीं करो तो भैया कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें, तो पूर्णांक लो करना ऑप्शन बी हो जाएगा सही, क्योंकि एक जोड़ोगे तो उसमें कोई फर्क पड़ेगा, तुम एक में या भाई एक जोड़ दो तो इन्हें ना दो, जिसमें कोई फर्क ना पड़े जोड़ से हम वो कहलाते हैं युज्य तत्समक। एक खुद गुणात्मक तत्समक, एक को गुणा कछु में भी करो सो कोई फर्क नहीं पड़ा, कितने आउट जाए कितने आउट, इसको बोलते हैं एक को बोलते हैं गुणांकों के लिए सब ये गुणात्मक तत्समक, कब हो सकते गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक प्रतिलोम गुणात्मक गुणात्मक प्रतिलोम गुणात्मक तत्समक भी बोल जाते। अब आपको ये बताना है नवा, इसका तो समझ में आ गया कि इसके पूर्णांकों के लिए तत्समक होता है, पीछे देख लेना लिखा होगा किताब में आपकी, ये एक बार नियम गुणधर्म है, ये गुणधर्म याद रखना, और 2 3 6 गुणधर्म होते हैं आपके याद करना। 12 भागे क्या लगा, 12 में भाग लगा है माइनस के 2 का, तो भैया 12 में भाग देना है माइनस के 2 का,
मन क्या होगा। तुम्हें भाग का हमने बताया था, भाग देने के लिए भी नियम था। देखो जब अपन माइनस माइनस का भाग देते हैं तो क्या आता है, प्लस चिन्ह आता है। जब आपको प्लस माइनस का भाग लगाएं तो क्या आता है, माइनस भाग या अपन प्लस देंगे तो क्या आएगा, माइनस। जब अपन प्लस का भाग प्लस में देंगे तो मिलेगा प्लस ही। वैसे याद रखना, अब इसमें भाग दो का भाग इसमें जा रहा, दो का भाग इसमें जो है 2 6 का 12, जो 12 कहता था प्लस का, तो अपन माइनस को भाग दे रहे कह रहे प्लस में, तो भैया माइनस को भाग हम प्लस में दे रहे तो कम है चिन्ह माइनस, तो इसमें चिन्ह कहा जाएगा माइनस। ऑप्शन कौन में माइनस है, सी नंबर में सही है, तो सी नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी सही हो जाएगा इसका। और इसका माइनस माइनस के 18 माइनस फिर माइनस के 20 का मान क्या होगा। माइनस के 18 माइनस के 20 का मान पूछो, मतलब इसको हल करो कितना मान। तो अगर ते भाई कोष्टक है तो माइनस प्लस का गुणा करोगे, माइनस चिन्ह कोष्टक खोलोगे तो यहाँ पर माइनस चिन्ह का गुणा होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस और 20। अगर ते बताओ माइनस प्लस में क्या होता है, घटाना, तो काय में से घटाएंगे, प्लस में से घटाएंगे क्योंकि प्लस का बड़ा है तो उसी में से घटाएंगे, 20 में से 18 में तो क्या हो जाएगा, 2 काय का प्लस का, तो 2 प्लस का कहाँ पर, इसमें जी प्लस का 2 कहलाता है। इसमें चिन्ह ना लगा हो तो प्लस सही क्या कहलाता है, अगर चिन्ह इसमें माइनस का जी तो कोई होगा नहीं ना जी होगा, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे हम आपको इसी अध्याय के 10 और ऑब्जेक्ट, हम इसके 4 भाग डालेंगे, मतलब पहले भाग में हमने आपको कर दिया 10 ऑब्जेक्ट, मतलब सही विकल्प। और हम अगले वीडियो में लाएंगे भाग 2 में 10 और ऑब्जेक्ट लाएंगे, पूरे क्लियर करवाएंगे आप लोगों को, सही सॉल्व करवाएंगे। इस वीडियो में आशा करते हैं आपको कुछ ना कुछ जरूर समझ में आया होगा। वैसे तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जल्दी जल्दी आएंगे और आपको ऐसे ऑब्जेक्ट सॉल्व करवाएंगे। अगर हमारे चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के बाद वीडियो को शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद। जय श्री राम।